भुवनेश्वर गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी गवेषणा केन्द्र में पंचम ओडिशा आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित होती जेउंथरे विभिन्न साहित्यिक भाग नहीं निज निज मत रखिछन्ति। यह अवसर में दिल्ली रे इनकम टैक्स कमिश्नर तथा आसीन इन द स्काई कविता संकलन कवियत्री सृजनी महांती निजर कविता पाठ करथिले। जापान रो एक फूल जहार नाम साकुरा ता उपरि कविता लिखि से प्रशंसित होइछन्ति। यह अवसर में तांको सह कथा होइथिले हम प्रतिनिधि सुमंत सुंदराय। निजे बंदी होई अन्य को दिए जे मुक्तिर आस्वाद, निजे जली जे जाले मुक्तिर आलोक, निजे पतित होई जो है पतित पावन सी होउछन्ति कवि। आ सेमिन जने कवि होउछन्ति सृजनी महांती। निशारे से होउछन्ति इनकम टैक्स ऑफिसर। आ पेशा होउछि कविता लेखिबा। आ सेति पई कविता कविता सूक्ष्म अनुभव नांदनिक रूप अंधारे धार नील आलुओ। मैडम मरी नाहंती, जली नाहंती, पतित होई नाहंती, किंतु आपनको लेखारे कवितार सूक्ष्म अनुभव एक नांदनिक रूप को बारी होछि। पेशा आपनको रहउछि इनकम टैक्स ऑफिसर। आ निशा कविता किभली लाइन को बा ट्रैक चेंज करछन किभली? एक्चुअली कविता तो मु बहुत आगुरु लेखुची। इट्स ऑलमोस्ट 25 इयर्स नाउ फ्रॉम हाई स्कूल। I am born and brought up in Rourkela, the NIT campus. Because of the beautiful environment of Rourkela and the campus and the peaceful mental state which we always had, and my parents were professors, so say sabbele chotto bolu they encouraged me to write and to express myself. तो कविता तो मु बहुत आगुरी लिखुची, किंतु इनकम टैक्स आई गॉट इनटू इनकम टैक्स 20 इयर्स बैक। आई हैव कंप्लीटेड 20 इयर्स ऑफ माय सर्विसेज, बट आफ्टर गेटिंग इनटू द सर्विसेज एंड आफ्टर बिकमिंग अ मदर, आफ्टर विजिटिंग जापान, पोएट्री हैज बीन फर्दर होन्ड। आई मीन आस इन द स्काई जो कथा आपण लिखिछन्ती, जो थरे पाखापाखी 80 रु अधिक कविता रहिछि, जे कविता रे कोन एमते अछि जहाँ विशेष कर लोकंकु छुइबो, युवपीढ़ी को छुइबो द कविता। मोर जो बहीटा आई फील समटाइम्स कि आमे पोएट्री कविताटा भाबू कि सब बेले किए समवन हाई फाई और समवन वेरी यू नो वेरी फेमस हु हैज टू राइट, बिकॉज आई थिंक पोएट्री इज द सॉन्ग ऑफ लाइफ विच एवरी सिंपल इवन अ रिक्शा वाला कैन राइट पोएट्री बिकॉज ही feels that stirrings in his heart. So my poetry is very simple, it touches your heart because I speak about very commonsensical things, about commonplace relationships, about the beauty which I say see every day. पांचटी कविता आपण सेठी पढुथले जा संपूर्ण भाबरे लोकादृत होईची एवं विशेष करी पाठक आदृत मध्ये लाभ करीची, किंतु सबसे बड़ कथा होची जापान रोटे फूल कथा आपण कहतले, सौंदर्य कथा, ब्यूटिफिकेशन कथा। कोन से ब्यूटिफिकेशन थिला आपण निजे जाके देखिसंती ना? देखिसंती मो। एक्चुअली माय हस्बैंड आल्सो इज माय बैचमेट। आमे दी जन जाको इनकम टैक्स कमिश्नर। ही वाज पोस्टेड एज फर्स्ट सेक्रेटरी इन टोक्यो, so that gave me an occasion to see the beauty of Japan for 3 years, and I have written on cherry blossoms, that is called sakura in Japanese, because it is something so surreal, so beautiful that you really then believe that God exists. In fact say poem ta lekhila balku mo mane dhara dhara re ma akhiru luho bhar chalthila ki etti sundarta jinsa kichi rahi paribo world re, so much of beauty, it is only because God exists. तबे मोटा मोटी सुनुतले कि भली प्रतिक्रिया रहिछि आगु को कविता लेखा जारी रहिबो। अनेक ए जो साहित्यर विभिन्न दिग रहिछि ता प्रति मध्ये तांकर रुचि रहिछि सृजनी महांतीकर। आम मध्ये तांकर सफलता कामना करुछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रशांत पात्रक सह सुमंत सुंदराय, निजित नुडिया।